भीष्म पितामह पांडव मंदिर आपणे दर्शन करीए। एक बार भगवान समय देता है जिंदगी में। ये सभी बच्चे आ गए ना जी, कहाँ जाएंगे? चलो आगे देखो। अपने बच्चों की कमाई में अपनी कमाई में खाली हाथ नहीं जाने यहाँ से। चलो सब लोग मंदिर का दान करना, तभी मिलेगा तुम्हारे बच्चों का आशीर्वाद। ध्यान चलो जी, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान से आज तुम लोग कर रहे हो। भगवान के यहाँ खत्म करो, मन जाता नहीं है, धर्म ले जाता है, ऐसा कभी मिलेगा नहीं। श्री गंगा माता प्राचीन मंदिर, श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाणशाह पांडव मंदिर, नरकात्री कुरुक्षेत्र, भीष्म द्वार। कुरुक्षेत्र ना मैदान में ज्या भीष्म पिता नो वध करवामां आव्यो हतो अर्जुन द्वारा, ने बाणशाह उपर ज्या हता ए ज जग्या उपर आजे आपणे छीए कुरुक्षेत्र में। भीष्म कुंड तरीके पण अहींया जग्या ओळखाय छे। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दसवें दिन अर्जुन के बाणों से विधंकर भायल भीष्म पिता जब रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े तो ऐसा लगा कि वह बाणों की शा पर विश्राम कर रहे हो। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात भीष्म पिता ने अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा। पितामह की प्यास बुझाने के लिए कौरव पानी से भरे घड़े लेकर आए, लेकिन भीष्म ने कौरव को द्वारा लाए गए जल को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन की ओर संकेत किया। इस पर अर्जुन ने पंच जन्य नामक बाण पृथ्वी पर मारकर जलधारा प्रकट की। पृथ्वी से निकलने वाले इसी जल से भीष्म पिता ने अपनी प्यास बुझाई। यह जग्या यह है, आप जो ही रहा छो भीष्म की प्यास बुझाते हुए अर्जुन। कुरुक्षेत्र ने सौथी पवित्र जग्या अने आ मंदिर